दोस्तों, आज की केस स्टडी में हम हर उस भारतीय जवान को नमन करते हैं जो अपनी माँ के साथ अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। 4 जून सन 2015 की बात है। घात लगाकर बैठे NSCN संगठन के आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी के 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों के काफिले पर निर्ममतापूर्वक हमला कर दिया, जिसमें अनगिनत भारतीय जवानों की मौत हो गई। जब इस घटना का पता देश को चला तो देश का हर नागरिक के अंदर अपने जवानों के शहादत के बदले की भावना जाग उठी और वे मौजूदा NDA की सरकार से त्वरित कार्यवाही व बदले की मांग करने लगे। फिर सरकार भी तुरंत एक्शन मोड में आती है व अपने जवानों की शहादत का बदला लेने का प्लान बनाती है। 7 जून सन 2015 ईस्वी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आदि की उपस्थिति में हुई बैठक में ऑपरेशन हॉट पैराशूट की मंजूरी दी गई। इस ऑपरेशन के लिए 21 पैरा SF के कमांडो को चुना गया था, जो कि जंगल वॉरफेयर में बेहद ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आइए इस ऑपरेशन हॉट पैराशूट को काफ़ी नज़दीक से समझने का प्रयास करते हैं। प्लान के मुताबिक सेना के सभी खुफिया विभागों ने बॉर्डर पे अपने सभी एजेंटों को सतर्क कर दिया था। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पैनी नज़र रखी जा रही थी व सभी जानकारियों को केंद्र सरकार के साथ साझा किया जा रहा था। इस ऑपरेशन में जिन जवानों को चुना गया था उनमें से कुछ UN जाने वाले थे, किंतु उन्हें रोककर तुरंत दिल्ली से मणिपुर भेजा गया। ऑपरेशन को इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया था कि जवानों से उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए थे और वे ऑपरेशन को अंजाम पहुंचाने तक बाहरी दुनिया के पूरी तरह से संपर्क में कट चुके थे। अब जवानों का केवल एक ही टारगेट था कि NSCN ग्रुप के आतंकवादियों का काम तमाम करना। 72 जवानों को इस हॉट पैराशूट ऑपरेशन के लिए चुना गया था। जवानों को मणिपुर टारगेट से 50 किलोमीटर पहले बिहार रेजिमेंट के यूनिफॉर्म में उतार दिया गया। यहां से केवल 24 घंटे के अंदर ही पैदल चलकर उन्हें अपने टारगेट तक पहुंचकर उसे ख़त्म करना था। रिस्क बहुत ही ज़्यादा था, साथ ही यह ध्यान रखना था कि वे किसी के नज़र में ना आएं। सभी कमांडोज को 2 ग्रुपों में बांटा गया था, जिसमें एक ग्रुप का काम था कि टारगेट पर डायरेक्ट अटैक करना, जबकि दूसरे ग्रुप का काम था कि छुप कर रहना व भागते हुए आतंकवादियों को मारना। इन जवानों के पास हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन डिवाइसेज इत्यादि के साथ 35 किलोग्राम के भारी भरकम लाइफ बैग्स भी उपलब्ध थे। दुश्मन के कैंप लगभग 3-4 किलोमीटर की एरिया तक में फैले हुए थे व यहां लगभग 300-400 तक की संख्या में आतंकवादियों के मौजूद होने की खबर थी। जवानों ने ऐसा रास्ता चुना जो कि जंगलों में बेहद ही घना व काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। लगभग 16 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलने के बाद सभी जवान भारतीय सीमा के आखिरी गांव तक पहुंचे, फिर बॉर्डर पार पड़ोसी देश म्यांमार में पहुंचे। अब इन्हें काफ़ी अलर्ट रहना था, साथ ही अब रिस्क होने के कारण रेडियो सिग्नल को भी बंद कर दिया गया था। अब जवानों को सीमा पार से सूचना देने के लिए केवल एक बीप का सिग्नल देना था और यह सिग्नल उस समय जनरल बिपिन रावत जी को मिलता था। अब इन जवानों को ऑपरेशन हॉट पैराशूट एक निश्चित समय अवधि के भीतर ही खत्म करना था। ऐसा नहीं होने पर वे भारी मुसीबत में फंस सकते थे, किंतु उन्हें अपने टारगेट को ख़त्म करना था और वे एक पड़ोसी देश में मौजूद थे। प्रेशर और रिस्क अब बहुत ही बढ़ चुका था, साथ ही अब वो समय आ चुका था कि अपने जवानों के शहादत का बदला उन्हीं के हथियारों से लिया जाए। रास्ते में म्यांमार में एक स्थानीय जंगली शिकारी लोगों का समूह मिला, जिन्होंने जवानों को आगे बढ़ने में सहायता की। कुछ ही घंटों के बाद ये जवान अपने टारगेट के सामने थे। जवान इस वक्त बेहद ही अलर्ट मोड पे थे।
जवानों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इलाके का निरीक्षण किया व आतंकवादियों के मुख्य ठिकानों के विषय में पता लगाया। बस हमले के लिए सही समय का इंतजार था। रात को अंधेरा होते ही आतंकवादियों ने अचानक उसी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दी जहां पर भारतीय जवान मौजूद थे, किंतु भारतीय कमांडर ने खुद को सुरक्षित रखते हुए कोई भी हरकत या जवाबी फायरिंग करने से मना किया था। थोड़ी देर में फायरिंग के बाद जब आतंकवादियों को यह विश्वास हो गया कि उस तरफ अब कोई भी मौजूद नहीं है, तो वे निश्चिंत होकर शांत हो गए। अब भारतीय जवानों के लिए यह स्वर्णिम अवसर था उन्हें ठोंकने के लिए। भारतीय जवानों ने आतंकवादियों की ताबड़तोड़ ठुकाई शुरू कर दी। इससे पहले कि सभी आतंकवादी संभल पाते, जवानों ने उनका खात्मा कर दिया। यह ऑपरेशन लगभग 40 मिनट तक चला था। साथ ही अब जवानों को कम समय में अपने देश भारत की सीमा में प्रवेश करना था। भारतीय जवानों ने पूरी चालाकी के साथ इस काम को अंजाम दिया। वह वापस सीमा में प्रवेश करते ही अपना रेडियो चालू करके जनरल बिपिन रावत जी को ऑपरेशन सफल होने की सूचना प्रदान की। अगले ही दिन देश के सभी अखबारों व टीवी चैनलों पर यह खबर आग की तरह फैल गई। वह साथ ही पूरे विश्व को यह संदेश गया कि यदि किसी ने भारतीय जवानों या नागरिकों पर भविष्य में कभी भी घात लगाया, तो इंडियन आर्मी उस देश के सीमा के अंदर घुसकर उनका काम तमाम कर सकती है। हम अपने सैनिकों के इस अदम्य साहस और शौर्य के लिए एक बार पुनः सैल्यूट करते हैं। फक्र है हमें अपनी इंडियन आर्मी पे। आज के लिए बस इतना ही। जब तक आप बने रहिए यूपीएससी किट्स के साथ। मिलते हैं किसी और ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज पे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।